हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बना रही हूँ मैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू एकदम दानेदार बनेंगे, तो आप रेसिपी को एंड तक देखना क्योंकि मैं इसमें बताऊँगी कि क्या क्या आपको करना है। तो ये बारीक वाला बेसन है, तो मैंने एक कप बेसन ले लिया है। अभी मैंने इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डाला, बस हमने एक मिनट तक इसको लो फ्लेम पर ना ऐसे सेकते रहना, यानी कि भूनते रहना बिना घी के। इसमें हम घी जो है एक मिनट के बाद ही डालेंगे ताकि बेसन हल्का सा गुनगुना भी हो जाएगा तब तक और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो एक मिनट इसको हो गया है पूरा, तो मैं ये घी डाल रही हूँ। तो यानी कि ये 2 से 2.5 चम्मच के आसपास घी है, ये नॉर्मल चम्मच जो हम खाना खाते हैं उससे, क्योंकि जमा हुआ है घी, तो इसलिए ये 2.5 चम्मच के आसपास घी है तो मैंने इसमें डाल दिया है। और हम ऐसे धीरे धीरे करके ऐड करेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि इसमें कितना घी डालना है, क्योंकि कई बार क्या होता है मेज़रमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ी तो हो ही जाती है, कभी बेसन ज़्यादा निकल जाएगा या कम निकल जाएगा, तो इसलिए घी की क्वांटिटी पता नहीं चलती है। तो इस टाइप से आपको बेसन भूनते भूनते घी की क्वांटिटी सही पता चल जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से बेसन भुनेगा आप उस हिसाब से उसमें घी डालते रहोगे। तो जो मैंने घी डाला था वो मैंने मिक्स कर दिया है, तो अब मैं इसमें और घी डाल रही हूँ। तो ऐसे आपने सेकते सेकते इसमें धीरे धीरे करके, आपको जिस हिसाब से लगेगा कि इसमें भी घी और चाहिए तो उस हिसाब से आप इसमें धीरे धीरे करके बेसन में घी और डालते रहना है। यह तरीका सबसे आसान है लड्डू बनाने का, कि कैसे करके लड्डू की भुनाई होनी चाहिए, घी का पता कैसे चले। तो इस स्टेप से आप बेसन भूने या आटा भूने, आप जो भी चीज़ भून रहे हो तो आप इस स्टेप से सेकते सेकते उसमें घी डालते रहोगे धीरे धीरे करके, तो आपका घी भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ना ज़्यादा लगेगा ना कम लगेगा, लेकिन मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट आपका रहेगा। तो आप धीरे धीरे करके ऐसे ही करना, गैस की फ्लेम लेकिन लो ही रखना है, अगर हाई कर दोगे तो ये जल जाएगा, तो लो फ्लेम पर ये धीरे धीरे सिकता भी रहेगा और घी का भी आपको पता चलता रहेगा। तो आजकल नवरात्रि है तो आप इसको माता रानी के प्रसाद के लिए भी बना सकते हो बेसन के लड्डू। तो चलिए इसमें मैं थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। अभी इसमें घी थोड़ा सा और चाहिए, 1-2 चम्मच अभी और चाहिए, लेकिन मैं वो भी धीरे धीरे करके ही करूँगी, क्योंकि कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि और चाहिए लेकिन इसमें एक ही चम्मच में काम हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ फिर देखूँगी कि थोड़ा सा और चाहिए कि नहीं। तो इसको लो फ्लेम पे ही हमने पकाना है इसको, नहीं तो जल जाएगा ये। अभी काफ़ी अच्छी सिक गया है, ये खुशबू आने लग गई अब, तो जब पूरा घी मिक्स हो जाता है तो काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगती बेसन भुनने की। तो इसको अच्छे से हम सेक देंगे, बस गैस की फ्लेम को आपने लो ही रखना है, लो ही फ्लेम पे पूरा लड्डू बनेगा ना तो बहुत टेस्टी बनता है फिर लड्डू। इसमें 1 चम्मच घी मैं और डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसमें, हल्का सा घी मुझे कम लग रहा है, तो 1 चम्मच के करीब मैं इसमें घी और डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें दाने कैसे करने हैं, इस टाइम पे बेसन बहुत गर्म है ना, तो आपने इसमें नॉर्मल पानी जो है 1-2 बार आपने अच्छे से इसमें छींटे मार देने हैं और फिर इसको करछी से फटाफट से चला देना है। तो ये है दाने बनाने का इसमें सीक्रेट। तो आपको इसमें मोटा बेसन मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसी बारीक बेसन से ही इसमें काफ़ी अच्छे दाने बन जाएंगे। बस आपने थोड़ी देर 1 मिनट के लिए इसको और ऐसे ही भुनना है, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो मैं अब गैस बंद कर देती हूँ, ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है अब, और गैस बंद करने के बाद भी मैं इसको चलाती रहूँगी कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो ये जल सकता है। तो इसका टेम्परेचर हमने हल्का गुनगुना रखना है, उसके बाद मैं इसमें मिलाने वाली हूँ चीनी का बूरा। तो इसमें चीनी का बूरा हमने ठंडा होने के बाद ही मिलाना है। तो ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, इसमें मैं मिला रही हूँ 1/2 कप चीनी का बूरा। तो ये बूरा भी मैंने घर पर खुद ही बनाया है, तो आपको बता दूंगी मैं बाद में, इसको नेक्स्ट रेसिपी में बता दूंगी कभी आपको कैसे बनाना है। तो अब इस बूरे को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, आप हाथ से भी कर सकते हो मिक्स, या फिर इसी टाइप से करछी या चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची। इलायची को मैंने कूट दिया है और इसके बीजों को मैं हाथ से हल्का सा मसल रही हूँ, ताकि ये जो मोटे मोटे हैं ना ये अच्छे से क्रश हो जाएँ। और इसमें मैंने 4 से 5 इलायची के पाउडर कूट करके डाल दिया है, इसको मिक्स कर देंगे। और अब इसके फटाफट से बनाएंगे हम लड्डू, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद घी जमने लगेगा, तो फिर इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो बस हमने एक बार इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके फटाफट से हम लड्डू तैयार कर देंगे। तो चलिए इसको मिक्स कर दिया, तो लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिस करछी से मैंने इसको मिक्स करा उसी से मैं बना रही हूँ, तो आप छोटे या बड़े कैसे भी आप बना सकते हो लड्डू। तो इसमें कम से कम अगर मीडियम साइज़ के आप बनाना चाहो तो 1 कप बेसन में 11 से 12 लड्डू आराम से बन जाते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप छोटे या बड़े किस टाइप से आप लड्डू बनाना चाहते हो।
तो ये मैंने इसका मेज़रमेंट लिया। इससे मैं फटाफट से हाथ से दबा करके इसको गोल गोल करके फटाफट से, वैसे लड्डू बहुत जल्दी से बन जाते हैं, तो थोड़ा आड़े टेढ़े मेढ़े भी सेप रहे तो हाथ से आप ऐसे गोल गोल कर देना बिल्कुल, तो अच्छे से इस स्टेप से गोल गोल लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो मैं इसके पास से आपको दिखा रही हूँ, ऐसे लड्डू बन जाते हैं और एकदम दानेदार लड्डू बने हैं। तो चलिए ऐसे फटाफट से दूसरा लड्डू भी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो लड्डू बनाने की रेसिपी है ना बहुत आसान, आप सिंपल वाले भी बना सकते हो, बिना दाने वाले भी आप बना सकते हो, उसमें आपको पानी की छींटे नहीं मारने हैं। इसमें थोड़े से पानी की छींटे मारेंगे तो लड्डू बनेंगे दानेदार। तो आप इसमें, आपको इसमें मोटा बेसन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको इसमें सूजी डालने की ज़रूरत है, और आपको बस केवल पानी की छींटे मारने से ही आपका बेसन का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, और खाने में भी उसका स्वाद अलग रहता है प्लेन वाले का, और इसका स्वाद अलग रहता है। तो आपको मैंने दोनों रेसिपी बता रखी, प्लेन वाली भी पहले बताई थी, इस बार मैंने दानेदार बेसन के लड्डू बता रखे हैं आपको। तो आप कभी भी इसको बना सकते हो, दिवाली आने वाली है आप उस टाइम पे भी इसको बना सकते हो, या फिर माता रानी के भोग के लिए भी आप बना सकते हो इसको आज। तो चलिए फटाफट से मैं लड्डू बना देती हूँ। तो सारे लड्डू हो गए हैं तैयार बिल्कुल, इसको बनने में केवल 5 से 7 मिनट लगे हैं टोटल, तो बहुत ही जल्दी ये जो है रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को कभी भी बना सकते हो, आपका मन कर रहा खाने का आप तब भी बना सकते हो, या फिर कोई ओकेज़न पे आप इसको बना सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना।